मेरा बस बड़ी ओके सांबा पुलिस ने मनजीत कौर की मौत की गुत्थी सुलझा ली है और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स 174 सीआरपीसी में जो चल रही थी उसको धारा 306 एवं 498 ए में परिवर्तित करके FIR लॉन्च कर दी है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2020 में मार्च महीने की 8 तारीख को मनजीत कौर जो सुपवाल में जिसकी शादी हुई थी उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली कि उसकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने धारा 174 CRPC के अंतर्गत इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग शुरू की ताकि मौत के असली कारण पता चल सकें। मेडिकल करवाया गया, बीसरा FSL में भेजा गया और आगे की कार्रवाई शुरू की। अब पुलिस ने कार्रवाई को कंक्लूड कर लिया है धारा 174 की जो थी और ये पाया कि पति ने पति कुलबीर सिंह सन ऑफ रतन सिंह रेजिडेंट ऑफ सुपवाल निषेधी था और नशे में धुत होकर अपनी पत्नी को मारता था, बहुत अधिक पिटाई करता था और वर्षों तक लगभग 2 दशकों तक 19-20 साल तक मनजीत कौर ने घरेलू हिंसा पति की हिंसा का सामना किया, झेलती रही और अंत में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और दुपट्टे के साथ एक पेड़ से लटकर आत्महत्या कर ली, जो आत्महत्या तंग आकर की गई थी और उसमें मेडिकल रिपोर्ट भी आई है और डॉक्टरों ने ये स्पष्ट किया है कि उस दिन भी जिस दिन उसकी डेड बॉडी मिली थी उसको सिर पर चोट थी, गंभीर चोट थी और उस दिन भी पिटाई की गई थी। उसमें ऐसे कुछ गवाहियाँ भी आई हैं कि उस दिन भी पिटाई की गई और पहले भी करता था, पंचायत के पास भी मामला गया था, पुलिस के भी नोटिस में मामला आया था पहले और हर बार क्योंकि अब अधिक समय हो गया था शादी हुए और हर कोई चाहता था कि इनका समझौता हो जाए, समझौता होता था फिर वही हिंसा का शिकार होती रही और अंत में उसने जीवन लीला समाप्त कर दी है। अब पुलिस ने कार्रवाई आगे शुरू कर दी है उसको गिरफ्तार करके और इस तरह सांबा जिले के अंदर जितनी भी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हैं सांबा पुलिस उसमें तेज़ी से कार्रवाई कर रही है और जहां पे केस परिवर्तित होने की गुंजाइश होगी, जहां पे आपराधिक केस बनता होगा मामला दर्ज करके अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर जिस तरह से ये मामला था, क्या ये मायके वालों की तरफ से इसमें आपके समक्ष अपील की गई थी इस मामले को, जैसे 2020 की आप बात कर रहे हैं?
2023 में इस मामले को शॉर्ट आउट दिलाएंगे? देखिए, ये 3 साल पुराना मामला है। इस महिला के मायके होशियारपुर पंजाब में थे, यहाँ पे इसकी शादी हुई थी सुपवाल में, सुपवाल की नई बस्ती में, और इसके भाई एक भारतीय सेना में भी हैं, वे भी यहाँ पे आते रहे। उनको भी बड़ा दुख था, माता पिता को, भाइयों को, कि घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है उनकी बेटी, उनकी बहन। परंतु क्योंकि निषेधी था पति, क्योंकि शराबी था पति, इसलिए कोई चारा नहीं चल रहा था। पुलिस ने भी मध्यस्थता की थी और पुलिस ने काउंसलिंग भी दी थी। पुलिस चाहती थी कि इनका आपस में समझौता बना रहे, और बच्चे भी थे और आपस में वो रहे, और इस प्रकार का वो आश्वासन भी देता था, समझौता हो जाता था। उसके बाद फिर मारता था, बार बार मारता था, बहुत बार पिटाई करता था, इसलिए अंत में ऐसी परिस्थिति आई जहाँ पे ऐसा कदम उठाया, तंग होकर के कदम उठाया, जो अवेटमेंट सुसाइड है 306, और जो घरेलू हिंसा है उसमें 498 बनता है, जो लगा दिया गया। सर, क्या संदेश रहेगा जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं कि उन केस को निकाल रही है और उसके मामले हल कर रही है, क्या संदेश रहेगा जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं उनके लिए, क्या संदेश रहेगा, जैसे घरेलू हिंसा का शिकार होती है महिलाएं इसी केस की तरह उनकी जो केस है? देखिए, महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार था इस जिले के अंदर, वह अब समाप्त हुआ है, घट गया है। और इस समय की अगर बात करें तो न्याय कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है जहाँ पे घरेलू हिंसा का कोई शिकार हो। छोटे मोटे घरेलू झगड़े घर में होते हैं और वे आम होते हैं। यहाँ पे एक वुमेन सेल भी है, वहाँ भी बड़े सारे मसले आते हैं, और पुलिस उसमें मध्यस्थता करती है, काउंसलिंग देती है, समझाती है, और उसके बाद जहाँ पे आवश्यक हो वहाँ पे FIR भी लाज करके गिरफ्तार करती है। कुछ ऐसी गिरफ्तारियाँ की भी गई हैं और आगे भी होंगी। यहाँ पर रहे जहाँ तक महिलाओं के विरुद्ध जो पहले के अत्याचार हैं और FIR लाज हुई हैं, उसमें सबको गिरफ्तार किया जाएगा और बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और वहाँ पे अभी तक आप देख ही रहे हैं कि कार्रवाइयाँ कड़ी शुरू हो गई हैं, और पुलिस वाले एक के बाद एक को पकड़ करके जेल में भेज रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जैसे जिस तरह से पहले वुमेन हेल्पलाइन के लिए एक नंबर जारी किया गया था, पहले बीच में वो कुछ समय के लिए बंद भी हो गया था, क्या ऐसा कोई स्पेशल नंबर या कोई ऐसा चलाया जाएगा ताकि महिलाएं सीधा आपके पास एक सेल बना हो जो शिकायत कर सके उसी नंबर पे, कोई महिला पुलिसकर्मी कंसर्न हो उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा स्पेशल? देखिए, अगर इस केस की भी बात करें तो पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस के पास सूचना मिली थी। हमारा पुलिस कंट्रोल रूम 24 घंटे होता है और जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम है, और उसका सबके पास नंबर है। उसके अतिरिक्त भी जो SSP, SP और SDPO से हमारे DSP हेडक्वार्टर्स हैं, SHOs, चौकी ऑफिसर्स हैं, सबके पास नंबर हैं, और फिर वुमेन सेल जैसे मैंने आपको बताया, और उसके अतिरिक्त भी हमारा यहाँ पे बड़ी सारे ऐसे माध्यम हैं जहाँ पे महिलाएं पुलिस के पास आ सकती हैं और शिकायतें सुनानी भी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि हर केस में FIR लाज हो, और FIR लाज होना एक लास्ट ऑप्शन होता है, और उसमें रिश्ते और बिगड़ते हैं। पुलिस की ये नीति रहती है कि पुलिस हमेशा ये चाहती है बड़े एक्सपीरियंस तरीके से कि आपस में मतभेद यदि पति पत्नी के बीच में हैं हों तो दूर हों, और घरेलू हिंसा से कैसे बचा जाए, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और जब ये समझा जाता है कि कोई भी मध्यस्थता, कोई भी किसी प्रकार की काउंसलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उस वक्त जो है FIR लाज करके कानूनी कार्रवाई की जाती है। सर, कहीं ना कहीं जब कुछ महिलाएं जो घरेलू अपना अत्याचार को लेकर जहाँ कहीं फिर उनके साथ जो क्राइम होता है, तो वह समाज के डर से या कहीं ना कहीं उनको जो ड्राइव जाता है कि अगर आप पुलिस विभाग में जाओगे तो आपका कुछ नहीं बनेगा, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर उन महिलाओं और बच्चियों को? देखिए, पहली बात तो ये है कि
किसी अत्याचार को सहन भी नहीं करना होता है। 21वीं शताब्दी है ये और यहाँ पे हर कोई जागरूक है और महिलाओं को भी अपने अधिकारों को पता है। यहाँ पे ये समझा जाए कि घरेलू हिंसा है और तंग किया जा रहा है तो पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, पुलिस के पास आना चाहिए, कम से कम डिस्कस करना चाहिए, अपने मन के भाव व्यक्त करने चाहिए और उनको जो समस्याएं आ रही हैं वे व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले एक्सपर्ट होते हैं और जैसे डॉक्टर के पास जाकर के कंसल्ट की जाती हैं ऐसी बातें, तो पुलिस के पास आकर के कंसल्ट भी की जा सकती हैं चीज़ें, ताकि पुलिस कोई ना कोई सही तरीका बताएगी। जब जिसका असहाय व्यक्ति का या किसी महिला का कोई नहीं होता है उस समय पुलिस होती है और पुलिस अपने बहनों की तरह, अपने परिवार के सदस्यों की तरह महिलाओं के साथ वो करेगी, अपना जो भी मदद होगी, जितनी भी सहायता होगी तो वह करेगी और करती है, हर स्थान पर करती है, पूरे भारत देश में, जम्मू कश्मीर में और सांबा जिले के में तो विशेष तौर पर, क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार जो हो रहा है, जो होता आया है, उसके खिलाफ जो है पुलिस खड़ी है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। थैंक यू, धन्यवाद।